हेलो फ्रेंड्स, एचटीएमएल सीखने की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये है लेक्चर 6 और आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। फ्रेंड्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी पड़ी? पहली बात तो ये सामने आती है, आपने एक पैराग्राफ लिखा। अब उस पैराग्राफ के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ है टीवी के ऊपर। एलजी ने एक नया टीवी रिलीज़ कराया है, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है एलजी की वेबसाइट पर, और उस आर्टिकल में ना ही कोई हेडिंग है, ना ही कोई बोल्ड वर्ड है, ना मार्क, ना कोई कटिंग प्राइस, एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ उसे लगातार पढ़ते जा रहे हैं, तब उसे के बारे में आप कुछ पता चल रहा है, कहीं कहीं एलजी लिखा आ रहा है, रिलीज़ लिखा आ रहा है। लेकिन सोचिए, उस 2 पेज के पैराग्राफ में लिखा होता रिलीजिंग डेट बोल्ड में और प्राइस लिखी होती बोल्ड में, समथिंग समथिंग, मतलब कुछ भी, जो भी वो दिखाना चाहता है, उस वर्ड्स को अंडरलाइन, हाईलाइट, थोड़े कलर डेकोरेशन, थोड़े बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट में, इन सब चीज़ों से अगर दिखाता तो आप उन मेन मेन वर्ड्स को देखकर ही पूरे पैराग्राफ में क्या हो सकता है ये समझ जाते। तो ये ज़रूरत है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, कि यूज़र आपकी साइट पर बोर ना हो जाए। उसको अगर वो मेन मेन वर्ड्स अच्छे लगेंगे, मतलब उसके बजट में अगर वो फ्रीज होगा या आपके एलजी का वो प्रोडक्ट होगा, तभी वो उसकी बाकी फीचर्स को पढ़ेगा, वरना आगे निकल जाएगा और कोई प्रोडक्ट देखने के लिए। लेकिन सोचिए, आप उसको प्राइस ही नहीं बता पा रहे हैं, उस पैराग्राफ में ढूंढ रहा है कि प्राइस कहाँ लिखे हुए हैं, तो आपका अगला प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, वो आपकी साइड ही छोड़कर चला जाएगा, वो उसके कंपैरिजन में और प्रोडक्ट भी सर्च नहीं करेगा आपकी साइट पर। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए और यूज़र के लिए रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस किस तरीके से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। पहला आता है फ्रेंड्स बोल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं। ये बी टैग होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग में लिखा जाता है, बी टैग। अगला होता है स्ट्रॉन्ग। ये बी टैग से सिमिलर होता है, आप बी टैग यूज़ कीजिए या स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कीजिए, दोनों का वर्क सेम ही है, दोनों टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। आप अपने सेंटेंस में लिखे हुए किसी भी वर्ड पर ये बोल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं या पूरे सेंटेंस पर बोल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी आएगा वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आई टैग। आई टैग इटैलिक फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है, एंड आई टैग से सिमिलर ही है इम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, इसे ईएम टैग भी कहते हैं। अगला है स्मॉल। स्मॉल टैग यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए। नेक्स्ट है मार्क्ड। आप किसी वर्ड को अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे मार्क टैग का यूज़। मार्क टैग आपके वर्ड को येलो कलर में मार्क करता है आपकी साइट पर। एक वाइट पेज पर येलो कलर का वर्ड साफ दिखेगा और यूज़र उस वर्ड को पहले पढ़ लेगा पूरे पैराग्राफ से, कि उसमें लिखा हुआ है येलो में एल जी रिलीजिंग ए न्यू फ्रिज, देन उस पैराग्राफ का इन 4 वर्डों से पूरा मतलब समझ में आ गया। अगर वो रिलीज जो एल जी ने नया प्रोडक्ट रिलीज़ करा है एक फ्रिज, उसके बारे में जानना चाहता है तो उसे पढ़ेगा, नहीं तो उस पैराग्राफ को छोड़कर कोई दूसरा पैराग्राफ पड़ेगा। अगर आता है डेल। डेल यूज किया जाता है डिलीटेड वर्ड के लिए। डेल यूज किया जाता है डिलीटेड वर्ड के लिए। अगर आप किसी वर्ड को डिलीटेड दिखाना चाहते हैं तब आप इसे यूज कर सकते हैं। अब डिलीटेड हम किसी वर्ड को कैसे दिखाएंगे, लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है और वो उसकी पहले वाली कॉस्ट थी 500 रुपये, बट आपने उसे घटा कर दिया है 200 रुपये, बट आप यूज़र्स को बताना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हम
पहले 500 रुपये का दे रहे थे, बट अब हम इसे मात्र 200 रुपये का दे रहे हैं। तो आप 500 रुपये को डेल टैक्स के अंदर लिखिए और 200 रुपये को जिस तरीके से आपको नया प्राइस लिखना है उस तरीके से लिखिए। डायरेक्ट टैक्स के अंदर 500 रुपये जो लिखे आएंगे वो इस तरीके से एक लाइन से कटे होंगे, तो यूजर्स को पता चलेगा कि ये 500 रुपये प्राइस कट गया है और अब रह गया है मात्र 200 रुपये इसका प्राइस। तो ये बड़ा अच्छा टैग और काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इंसर्टेड। कोई वर्ड आपने इंसर्ट किया है, लाइक कोई लाइन है जो यूजर्स रेगुलरली देखते हैं और उसके अंदर कोई नया वर्ड आपने इंसर्ट किया है। एक पैराग्राफ है, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, उसके अंदर यूजर उसे डेली पढ़ते हैं, यूजर उसे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं और वो काफ़ी टाइम से सिमिलर भी है, सेम पैराग्राफ है, बट आपने उसके अंदर आज 2018 में कुछ अपडेट किया है, तो कुछ वर्ड्स को अपडेट किया है, तो उन अपडेटेड वर्ड्स को आप इंसर्टेड टैग से लिख सकते हैं ताकि यूजर्स को पता चले कि ये नए नए वर्ड्स हैं जो अभी भी इसमें इंसर्ट हुए हैं। ओके, ये एक अंडरलाइन से शो होता है। अगला आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट टैग टेक्स्ट को बाकी सारे टेक्स्ट के बॉटम के करीब ले आता है, मतलब बॉटम से थोड़ा पास कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, तो दिस इज के जो बॉटम में ये सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मतलब एक्यूरेट बॉर्डर में बॉटम में नहीं है, बॉटम से थोड़ा ऊपर है हल्का, बट लग रहा है कि ये इसकी थोड़ी पावर में है। आप इसे यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि x1 + x2 + x3 इस तरीके से आपने लिखा होगा, मैक्सिमम सबने 10 तो की ही होगी, तो x का तो यूज़ किया ही होगा सबने। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है पावर के लिए, लाइक आपने लिखा x की पावर 2, x की पावर 3, क्योंकि ये टेक्स्ट से थोड़ा सा अपर में उस टेक्स्ट को लेकर आता है जो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता है। सुपर SUP, बस 3 शुरू के 3 वर्ड्स हैं, इसी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। और नेक्स्ट आता है हमारा और आखिरी टैग है यू। यू टैग यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए, आप किसी टैग्स के नीचे अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो उसके यहाँ पर यू टैग यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यू टैग यूज कीजिए या फिर इंसर्टेड टैग यूज कीजिए, उन दोनों का मतलब सेम है। जैसे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का था, इटैलिक और एम्फेसिस का था, सेम एज अंडरलाइन और इंसर्टेड टेक्स्ट का है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन सबको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस ऑन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने वाला हूँ इन सब टेक्स्ट के बारे में। ये हमारा कुछ बेसिक सिंटैक्स है, इसे आप जानते ही हैं, HTML स्टाइल और बॉडी को, ये HTML क्लोज बॉडी क्लोज, और फ्रेंड्स ये एक डॉक टाइप HTML में नया टेक्स्ट यहाँ जोड़ा है थोड़ा सा। और ये टेक्स्ट क्यों जोड़ा है इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत जगह पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चंस में, तो मैं चाहता हूँ इसे आपको हल्के में ना समझाऊँ, इसे पूरा ही एक वीडियो में समझाया जाए ताकि इसकी कोई बात छूट ना जाए। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बोल्ड पहला टैग था बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग यूज कैसे होता है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर बी एंड देन बी टैग क्लोज, कंट्रोल एस सेव करा मैंने, और अब मैं इसे रन करता हूँ। लॉन्च इन रन पर जाकर क्लिक करा मैंने एंड लॉन्च इन क्रोम, और ये क्रोम ओपन होगा मेरा, ये काफ़ी टाइम ले रहा है आज। ये देखिए वो सारे के सारे टेक्स्ट जो लिख रखा था मैंने, वो सबका सब एक लाइन में आ गया है देखिए, और उसका जो फर्स्ट वर्ड है ये बोल्ड हो चुका है, क्योंकि इन बोल्ड को बी टैग के अंदर लिखा था। नेक्स्ट मैं फिर से इस पर आया एंड अब मुझे स्ट्रॉन्ग को देखना है, तो STRONG स्ट्रॉन्ग टैग लिखा मैंने, और इसको कॉपी कर कर कंट्रोल सी से इसके एंड में लगा दिया और यहाँ लगा दिया इसमें मैंने फॉरवर्ड स्लैश,
सॉरी बैकवर्ड स्लैश, कंट्रोल S7 सेव करा एंड देन रिफ्रेस, ये हमारा बैकवर्ड स्लैश लगा दिया मैंने और ये स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज हो गया। तो मैं इसे कंट्रोल S सेव कर कर जाकर देखता हूँ ब्राउज़र में क्या डिफरेंस आया इसमें, और ये स्ट्रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स। मैं इटैलिक टैग पर आई लगाता हूँ और यहाँ पर इटैलिक टैग क्लोज, सॉरी यहाँ पर लगाया मैंने बैकवर्ड स्लैश एंड देन आई टैग क्लोज एंड रिफ्रेश करा मैंने यहाँ पर, ये इटैलिक फॉर्मेट में आ गया। देखिए बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और सेम एज आई टैग में और इम्फेसिस टैग में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। कंट्रोल वी और ये लगा दिया बैकवर्ड स्लैश, कंट्रोल S7 सेव करा एंड क्रोम में जाकर देख रिफ्रेश करा, देन इटैलिक और एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आई इस तरह बना हुआ है सेम आई ऐसे बना हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है स्मॉलर, देन मैं इसे लिखता हूँ स्मॉल, कंट्रोल ऐसे सेव करा कंट्रोल वी एंड ये फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल ऐसे सेव करा और ब्राउज़र पर जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन ये देखिए स्मॉलर जो है वो स्मॉल हो गया है बाकी सारे टेक्स्ट से। ये देखिए ई जो है ये स्मॉल है इसी से, तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये स्मॉलर हो चुका है। अगला है मार्क्ड, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं मार्क मार्क, कंट्रोल S सेव करा एंड देन ये देखिए मार्क में मार्क्ड टैग जो है वो येलो हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए डी के बाद थोड़ा स्पेस और भी लिया है मार्क्ड टैग ने, इसका मतलब कैसे ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे हुआ है कि मार्क्ड टैग के बाद थोड़ा सा स्पेस जो है वो टैग के अंदर ही है और यहाँ पर भी टैग के अंदर है। मैं इस स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ एंड इस स्पेस को मैं यहाँ देता हूँ एंड कंट्रोल से सेव करने के बाद मैं देखता हूँ क्या होता है डिफरेंस। ये देखिए एकदम सटकर येलो जो कलर है वो एकदम सिर्फ वर्ड को ही रैप कर रहा है, ठीक है। देन अब आता है डिलीट डेल, डेल टैग यूज करा, डेल टैग क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर, कंट्रोल से सेव करा एंड ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करा, तो डिलीटेड जो वर्ड है वो हो गया और ये भी काफ़ी आगे तक जा रहा है। तो हम इसको भी देखते हैं कि ये कैसे, ये देखिए स्पेस मिला है इसे, हम इसे स्पेस नहीं देना चाहते, हम सिर्फ वर्ड को ही डिलीटेड में जो डिलीटेड लिखा हुआ है सिर्फ उस टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, इंसर्टेड एंड कंट्रोल सॉरी ये बैकवर्ड स्लैश, कंट्रोल से सेव एंड इंसर्टेड, यहाँ पर लगाते हैं सब टैग, कंट्रोल से सेव करा कंट्रोल वी, कंट्रोल S से फिर सेव करा मैंने एंड देन रिफ्रेश। फ्रेंड्स मेरा कंट्रोल S पर ज़्यादा हाथ चलता है, कुछ बार बार कंट्रोल S दब जाता है। सुपर स्क्रिप्ट पर के बाद अब पहले मैं कंट्रोल C करूँगा, कॉपी करा मैंने इसको, हर बार मैं यहाँ पर आकर भी कंट्रोल C का तुरंत S करता था, कंट्रोल V करा एंड यहाँ पर एक बैकवर्ड स्लैश लगाया, अब कंट्रोल S करा एंड देन सब स्क्रिप्ट में टेक्स्ट के नीचे और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट से ऊपर। देन यहाँ पर आता है हमारे पास यू टैग, अंडरलाइन टैग और ये आ गया हमारा अंडरलाइन टैग, क्लोज हो गया यहाँ पे, कंट्रोल S सेव करा, ब्राउजर में जाकर रन करा एंड ये अंडरलाइन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सारे टैग्स का यहाँ पे यूज़ कर लिया और सारे के सारे वो हमारे टैग्स जो हैं वो सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं उनको, वो आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगाएंगे, मतलब उनके बाद आपके वर्ड्स कहीं और भाग रहे हैं
किसी और वर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहाँ है वहीं रहेगा, बस जो वर्ड्स उन टैग के बीच में आएंगे उनका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा उन टैग्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पी टैग और बी आर टैग, पी टैग और बी आर टैग क्या होते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मुझे इसे देखकर लगता है कि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी बिखरा हुआ लग रहा है। अगर ये लाइन वाइज होता तो काफ़ी अच्छा लगता, वो सब हम करेंगे आगे बी आर टैग से और पी टैग से, बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ये सब लाइन वाइज लाइन आते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, वेब डेवलपिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपिंग और इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद एक कंप्लीट वेबसाइट बनाकर बनाना सिखाऊंगा आपको कि कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय।